पैटर्न मेकिंग में क्या करना है आपको, ड्राइंग कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए, सारे मटेरियल ले लो। अब क्लासेस पूरी मटेरियल लेने के बाद एक 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 समझते जाना। प्रैक्टिकल कॉपी, ड्राइंग कॉपी A4, फैब्रिक सीजर, मेजरिंग टेप, ब्राउन पेपर तो ऑलरेडी आप लोगों ने ले लिया, लेकिन इस सब्जेक्ट के समय ब्राउन पेपर भी रहना जरूरी है। तो हर सब्जेक्ट के साइड में मटेरियल जरूर लिखना, ताकि सारा मैम वो सब्जेक्ट लें तो आपके पास सारे मटेरियल हो। ब्राउन पेपर मैम, लेंगे, ड्राइंग कॉपी, ट्रेसिंग व्हील, प्रैक्टिकल ब्राउन पेपर एंड ड्राइंग ट्रेसिंग व्हील, व्हील होता है ना ऐसे ट्रेस करते हैं जो पैटर्न मेकिंग में, क्लियर कॉपी। है? बिल ठीक है, एक कार्डबोर्ड होना चाहिए जो फ्रेमिंग फ्रेम करता है ना, उससे बोलना भैया मेरे को थोड़ा सा कार्डबोर्ड दे दो, क्योंकि जब हम पैटर्न बनाते हैं तो ब्राउन पेपर को पिन करते हैं बोर्ड पर, ठीक है, ट्रेस करने के लिए। तो एक 2x3 का एक बोर्ड खरीद लो, वो ड्राइंग करने में भी काम आएगा और बहुत सारी चीजों में, आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंड पेंट प्रिंटिंग सब में काम आएगा। तो बोर्ड होना बहुत ऐसा जरूरी है। इतना से ऐसा वाला इतना चलेगा, इतना हाँ मैम, चलेगा इतना चलेगा चलेगा, काफी हाँ है आपके पास, है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है? तो मैं आज आप लोगों को फाउंडेशन आर्ट की डिटेल बता दी, GMT की डिटेल बता दी, PMT की डिटेल बता दी। नेक्स्ट आते हैं इंडियन टेक्सटाइल, आपका वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लिखो इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, लिख लिया। इंडियन टेक्सटाइल्स में आपको जरूरत पड़ेगी, पहले तो हम इंडियन टेक्सटाइल्स में ये सीखेंगे कि फैब्रिक क्या होता है, कितने तरह का होता है, उसके बाद हम सीखेंगे एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, हैंड ब्लॉक, टाई एंड डाई, बांधनी। तो इसके लिए अगेन अलग से फैब्रिक लेना, लेकिन अभी नहीं होगी, बाद में होगी क्लासेस, लेकिन मटेरियल आप लोग राइटिंग डाउन कर लो कि लगेगा क्या, ठीक है? आप लोगों को इसमें लगेगा व्हाइट कलर का फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक ले लो, ऑलमोस्ट इसको 3 मीटर्स, आप लोगों को ठीक लेना है एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, वो भी फाइबर का, आपको लेना है डिफरेंट टाइप्स के नीडल्स, आपको लेना है कॉटन कलर, कॉटन थ्रेड्स फॉर द एम्ब्रॉयडरी, आपको लेना है 4-5 ब्लॉक्स फॉर द ब्लॉक प्रिंटिंग्स, आपको लेना है फैब्रिक पेंट। कलर कलर थ्रेड 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 फिर कॉटन ना, कलर थ्रेड कॉटन। फैब्रिक कलर अलग से आता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, साथ में आपको लेना मीडियम फॉर द तो अपने जो फैब्रिक मंगवाया पेंटिंग, इसमें नहीं है ना, फैब्रिक कलर नहीं है ना हमारा लिस्ट में, तो लाना है बना तो बाद कलर है में, इसमें नहीं है, बाद में, अभी राइट रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में, जी ठीक ठीक है, क्लियर है? फोर फिर से एक बार सब्जेक्ट रिपीट होंगे कर दो। इंडियन व्हाइट टेक्सटाइल, कलर का फैब्रिक, फिर एम्ब्रॉयडरी फ्रेम, फिर कलर थ्रेड, फिर थ्रेड्स, कलर थ्रेड्स हो गया, ब्लॉक्स, ब्लॉक प्रिंटिंग्स के लिए ब्लॉक्स, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स भी मंगवाना पड़ेगा। ओके ब्लॉक्स, वो डिटेल्स नेहा में भेज देंगे लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा, ब्लॉक्स, ठीक है? एंड टाई एंड डाई और बांधनी के लिए वो थ्रेड्स आते हैं ना, वो मोटे वाले थ्रेड्स और पतले वाले थ्रेड्स, हाँ जी वो सब ले लीजिएगा। हाँ। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैपिंग के लिए आपको लेना है मसलिन फैब्रिक, ठीक है, आपको लेना है टी पिन, आपको GMT का पूरा टूल्स उठा लो, ठीक है? आज मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगी 7:30 बजे, 7:30, आप लोग जरूर देखना, मैं उसमें मटेरियल क्या लगेगा वो मैं बताने वाली हूँ, जस्ट सिंपल ट्रेलर। ड्रैपिंग की जो क्लासेस है, जो और भी स्टूडेंट लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और आप लोग अभी बिगनर हैं तो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को नॉलेज गेन होगा, ताकि आप लोगों की आने वाली क्लासेस में आप और अच्छे से सीख सकें, राइट है? यस मैम।